सारिपुत्र सब समझते हैं, पूछते हैं क्या बात हुई। तम्मदाठिक कहता है कि मैंने इतने दिनों तक चोर घातों को सजा दी है, बहुतों की मैंने हत्या की है, बहुतों को मारा है, बहुतों को मैंने जेल में सड़ाया है। गाथा नंबर 100 का और 101 का लगभग सिमिलर है। गाथा इस प्रकार है, एक तम्बदठिक चोर होता है, वेणुमन की कथा है। तम्बदठिक, तम्ब माने होता है तांबा या तांबे जैसा रंग, और दाठिक जो होता है उसको बोलते हैं डसना, यानी कि वैसे यहाँ दठिक का मतलब नाम है। तो तम्बदाठिक एक चोर घातक होता है। चोर घातक का मतलब है कि जो चोर की या तो हत्या करे या चोर को दंड दे। वो एक राजा के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी करते समय उसकी नौकरी ये थी कि राजा जिस भी चोर को दंड देगा, जो भी दंड देगा, जैसा भी, वो उसको पूरा कराएगा। वो अपनी पूरी जिंदगी चोर घातक के रूप में, यानी चोर को दंड देने के रूप में, आप इसको एक तरह से जल्लाद समझ सकते हैं, तो उसके रूप में वो वहां काम करता रहा। जब वो बूढ़ा हो गया तो सेवा से निवृत्त हो गया, पूरी सेवा उसने ठीक ठाक की अपनी, जो भी उसका काम मिला। उसके बाद वो एकांत जंगल में चला गया, जंगल में रहने लगा आराम से, अपना खाना बना के बैठा ही था कि सारी पुत्र चारिका करते हुए आ गए और पिंडदान के लिए उसके दरवाजे पे आगे खड़े हो गए। सबको पता था कि नियम है, अगर भिक्खु आया है तो मर्जी आपकी, देना चाहते हैं। सारी पुत्र आए तो उसने उनको आदर से अंदर बुलाया और जो भोजन अपने लिए बनाया था वो भोजन उनको दिया। वहां उसने उनको पिंडदान दिया। पिंडदान देने के बाद में नियम था कि फ्री में खाना भिक्खु खाएंगे नहीं, तो दिखा देंगे, धम देंगे, इसीलिए चारिका करते हैं। तो धम देने के लिए उसको बैठे आमने सामने, धम देना शुरू किया, धम की देसा देनी शुरू करी। तो देखा कि धम देते समय जो तम्बदाठिक है वो बहुत व्याकुल और बेचैन हो रहा है, उसका मन धम सुनने में नहीं लग रहा है और वो बड़े सरल शब्दों में धम दे रहे हैं, मगर वो बहुत बेचैन है, व्याकुल है, चेहरे से बॉडी से पता चल रहा है कि उसका मन नहीं है बिल्कुल भी। सारी पुत्र सब समझते हैं, पूछते हैं क्या बात हुई। तम्बदाठिक कहता है कि मैंने इतने दिनों तक चोर घातों को सजा दी है, बहुतों की मैंने हत्या की है, बहुतों को मारा है, बहुतों को मैंने जेल में सड़ाया है, यात्राएं दी हैं जैसे राजा ने कहा, मुझे वो सब याद आ रही हैं, तो मैं व्याकुल और बेचैन हो रहा हूं, क्योंकि आप जैसे जैसे धम सिखा रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने तो बड़ा पाप किया है। तो सारी पुत्र उससे कहते हैं कि ये जो तुमने जितने भी चोर घातकों को सजा दी, जितने भी चोरों को आज तक, क्या आपने अपने मन से दी? तो तम्बदाठिक ने कहा कि नहीं, मैंने अपने मन से कोई सजा नहीं दी, राजा के आदेश का पालन किया। इतना अपने मुंह से तम्बदाठिक कहते ही जो तम्बदाठिक था उसको ये समझ में आ गया कि उसका तो दोष है नहीं, वो तो वहां नौकरी कर रहा था, दोष तो राजा का है, क्योंकि उसने तो मन से कभी चाहा नहीं कि किसी को मारे, वो उसका काम था। तो वो उसकी व्याकुलता शांत हुई और धम्म उसको समझ में आने लगा और धम्म में वो पारंगत होना शुरू हो गया। सारी पुत्र धम्म को समझा रहे हैं और वो सोतापन्न होने की स्थिति में आ गया। बड़ी बात है अगर पहली देशना के अंदर कोई सोतापन्न होने की स्थिति में आ जाए। वैसे तो पहली देशना में बहुत सोतापन्न उस समय होते थे, अभी तो नहीं हो पाते। तो वो उनका आभार व्यक्त किया उसने, जब उनको विदा किया चला तो वो जंगल में उनको काफी दूर तक छोड़ के आया। वापिस आते समय एक जानवर का शिकार हो गया, जानवर ने उसको खा लिया। जानवर ने खा लिया तो भिक्खु संघ में चर्चा चली कि जो तम्ब दठिक था उसने धम्म सीखा सारिपुत्र से, तो क्या गति रही क्या नहीं रही। भगवान बुद्ध ने अवलोकन किया, सारा कुछ पाया, तब उन्होंने ये गाथा वहां कही जो गाथा नंबर 101 है। सहस्रमपि चे गाथा अनथ पद संहिता, एकं गाथा पदं सेयो यंग सुतवा उपसम्मति। ज्यादा अंतर नहीं है इसमें क्योंकि दोनों लगभग सेम है। सहस्रमपि चे गाथा यानी कि अनथ पद संहिता, सहस्रमपि यानी हजारों अगर कोई पद याद करता है या रखता है या संग्रह करता है या उनको वाचता है या बोलता है, वो सारे निरर्थक हैं, बेकार हैं। यानी कि कोई आदमी हजारों अगर कोई पद जानता है, संहिता जानता है, पूरी किताब जानता है, याद करता है, बोलता है, वो सब बेकार हैं। एक पद ही श्रेष्ठ है, एक गाथा जो है वही श्रेष्ठ है। अगर वो
यंग सुतवा उपसम्मति, अगर जो सुन करके दमन कर दे, शमन कर दे, जो उपसम्मति कर दे, सम्मति का मतलब शांत कर दे मन को, राग द्वेष को खत्म कर दे, वो गाथा ही काफी है। सारिपुत्र ने जो उसको समझाया वो एक ही उसके लिए इतना अच्छा था कि वो सोतापन के पास चला गया। उसकी जो गति है वो सुगति है, सुगति का मतलब है कि उसे अच्छा आगे बर्थ मिलेगा जहां उसका कल्याण होकर वो मुक्त होने के रास्ते पे निकल पड़ा है। ये गाथा भगवान बुद्ध ने वहां बताई और कही। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.